अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित करने के रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना को अनुमति प्रदान नहीं की गई। माननीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज, में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर प्लीज 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित करने के रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना, और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। द रिप्लाई फ्रॉम द मिनिस्टर। थैंक यू। माननीय मंत्री जी, 11:30 बज चुके हैं। माननीय सदस्यगण, माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान होगा। अभी स्टेटमेंट आपको हाथ में मिल रहा है, अभी बट रहा है स्टेटमेंट। माननीय रक्षा मंत्री जी, अरे प्लीज स्टेटमेंट मिल रहा है, प्लीज प्लीज प्लीज, नो नो। माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कॉल ऑन रक्षा मंत्री जी, नो। माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को
चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूँ यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय प्लीज। माननीय रक्षा मंत्री के अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर 2022 को जो घटना घटी उसके बारे में एक विस्तृत वक्तव्य सदन के समक्ष रखा है। माननीय सदस्यगण, हमारी सेनाएं पूरी मुस्तैदी और ताकत के साथ हमारी सीमाओं पर तैनात हैं और उनके शौर्य और वीरता पर पूरे सदन को हम सबको विश्वास और भरोसा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक मत से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूँगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री सुशील कुमार महतो MP लोकसभा इस विषय पर, फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट UP, फिर सेशन नंबर 215 13/3/2009 को फॉलो अप मुंबई टेररिस्ट एक्ट, फिर 215 सेशन में 18/2/2009 को सिचुएशन इन श्रीलंका, इन संवेदनशील विषयों को देखते हुए क्वेरी पूछने के बहस करने की आगे